हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली पनीर भुर्जी की रेसिपी, जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट बनाते हैं ये पनीर की भुर्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पनीर की भुर्जी, जो कि बहुत झटपट बन जाती है और सुबह सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, जो बच्चे बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं और बहुत झटपट सुबह सुबह बन भी जाती है। तो ये देखिए, ये है पनीर जो कि हमने घर में ही बनाया है दूध को फाड़ कर। तो ये इस पनीर की हम भुर्जी बनाने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई हमने गरम कर ली है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को अच्छा गरम हो जाने देंगे। पनीर की भुर्जी में बहुत सारी चीज़ों को डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी चीज़ों में भी ये बहुत टेस्टी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है और लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो ये देखिए, ये तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच जीरा। जीरा चटक गया है, अब इसमें हम डाल देंगे दो तीन बारीक कटी हरी मिर्ची। हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए, प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसे हमें गोल्डन नहीं करना है, बस ये ट्रांसपेरेंट से ट्रांसल्यूसेंट से हो जाए। तो ये प्याज देखिए हमारे बढ़िया फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसे थोड़ी देर हम पकाएंगे जब तक कि ये अच्छा सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर देखिए 2 मिनट में बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, जितना पनीर है उस हिसाब से नमक डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच के करीब नमक डाला है, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। बस हल्दी और नमक हमने इसमें डाला है और टमाटर हमारे बहुत अच्छे देखिए गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस कंडीशन में हम डाल देंगे ये पनीर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, पनीर की भुर्जी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और पराठे के साथ में पूरा चट कर जाते हैं, तो इससे बच्चों को प्रोटीन भी मिलता है। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, जिससे थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आएगा, पर मुझे बिना गरम मसाले वाला ही भुर्जी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करूँगी। इसको 2-3 मिनट तक हम अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा ढककर हम पका लेंगे, बस 1-2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम हम लो पे रख देंगे, गैस की फ्लेम लो पे रख देंगे और इसे ढककर 2 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो पनीर है हमारा और अच्छे से कुक हो जाए। 2-3 मिनट हो गए हैं, हमने इसे ढककर पका लिया है, आप देख सकते हैं बढ़िया इसमें भाप आ गई है और ये जो पनीर था ये और बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बढ़िया ताज़ा हरा धनिया। हरा धनिया अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी
और बहुत ही इजी तरीके से ये हमने पनीर की भुर्जी बना ली है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट अदरक लहसुन है और मसाले ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।